हाई गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और आपकी होली बहुत अच्छी रही। बट अब आई होप कि आप लोग फाइनली वापस आ गए हैं होली के हॉलीडेज से एंड पढ़ाई रिज्यूम कर दी है। और जैसे कि आज आपके असिस्टेंट का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आई होप कि आपने अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा दी होगी और उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम एट द एंड वीडियो में बात करते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फाइनल स्कोर कार्ड SBI का, जिसमें मेंस के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स और ओवरऑल कितने मार्क्स रहे वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख लेते हैं मेरा स्कोर कार्ड। सो यस, दिस इज़ माय स्कोर कार्ड। मेरा नाम लिखा है करिश्मा एंड कैटेगरी जनरल, और मेंस का स्कोर जो आया वो 103.72। हेयर, एक चीज़ हमें नोट करनी है कि मेरा जो एनालिसिस का, अगर किसी ने वीडियो देखा है मेंस का, तो मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 73 थे और मेरा स्कोर ये आया। बाकी दो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव वाले थे। सो आई थिंक उस अटेम्प्ट के हिसाब से दिस स्कोर इज रियली नाइस। और मैंने करंट अफेयर्स जो है वो सिर्फ 2 महीने का किया था, बल्कि 1.5 महीने का किया था। ज़्यादा करंट अफेयर मैंने नहीं किया था, और वहीं पे मैंने लैग किया एक्चुअली। अगर मैंने वो अच्छे से किया होता तो माई मार्क्स कुड हैव बीन मच बेटर। और इंटरव्यू जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, जितना मैं खुद से एक्सपेक्ट करी थी उतना अच्छा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अबव एवरेज था, बट एक्सीडिंगली वेल नहीं किया था, इसीलिए जो स्कोर आया वो सिर्फ 40 आया, जिसकी वजह से जो मेरा फाइनल स्कोर है 51.12 है, जबकि कट ऑफ थी वो 53.4 थी। सो या आई कुड नॉट क्लियर द फाइनल कट ऑफ, बट दैट इज ओके। ठीक है, आई एम ओवर दैट थिंग नाउ। एंड या सो अगर मैंने और ज़्यादा करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दिया होता, बिकॉज इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जितना मुझे आता था मैंने अच्छे से किया था, आई न्यू कि मैं करंट अफेयर्स में अच्छा नहीं कर रही हूँ। एंड दिस स्कोर आई कुड ओनली अचीव बिकॉज ऑफ गुड एक्यूरेसी। और वो एक्यूरेसी तभी आती है जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है किसी चीज़ की। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस में जब भी अटेम्प्ट करते हो, फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो मेंस के कंटेंट की, जो कि आपको एक अच्छे मॉक टेस्ट से ही मिल सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो मॉक टेस्ट जो खुद मैंने यूज़ किए हुए हैं और जिनसे मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने टेस्ट जोन स्मार्ट खेड़ा का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए न्यूली लॉन्च्ड बैंकिंग, SSC, रेलवेज, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हम अभी सिर्फ बैंकिंग के देखते हैं। तो बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ मॉक्स मिल जाएंगे। RBI का है, SBI का है, मेंस और प्री दोनों के मॉक्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। साथ में आप मॉक ड्रिल्स में देखेंगे तो करंट अफेयर्स के, बैंकिंग अवेयरनेस के, क्वांट के, रीजनिंग के, सबके मॉक ड्रिल्स, और साथ साथ सेक्शुअल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये मैंने यूज़ किए हैं पर्सनली, सो आई नो कि बहुत अच्छा कॉन्टेंट होता है और आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड KASH10 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डिस्काउंट अवेल नहीं करना है तो। सो आई सजेस्ट कि आप इस तरह के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दें एंड यू विल बी रियली बेनिफिटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। Bye-bye, take care, and please subscribe to the channel.